हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। सबसे पहले मेरा सर फौजी भाई को चाहिन बंदी मातरम जय श्री कृष्णा। चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे आर्मी अग्निवीर के सामान्य ज्ञान के कितने, सामान्य ज्ञान के टॉप 70 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसमें से आपके लिए जो टारगेट रहेगा कितने, 65 क्वेश्चन का, यानी 65 क्वेश्चन का आप सभी के लिए जो टारगेट रहेगा। कितने क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके जो है मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। और याद रखिएगा आज जो है हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला जो आपका रहेगा पॉलिटी रहेगा और दूसरा जो आपका रहेगा हिस्ट्री के कितने 35 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और आपके पॉलिटी के कितने, पॉलिटी के भी 35 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा जिनका भी 17 अप्रैल को एग्जाम है, और ये सभी ट्रेड के लिए जो है वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, व्हाट इज कॉल्ड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन सुनेगा अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 31। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर एक का राइट आंसर दे। क्वेश्चन नंबर एक का राइट आंसर क्या रहेगा, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दो आपके सामने है, क्वेश्चन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। क्वेश्चन क्या है, संवैधानिक उपचारों के संबंधित है अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 31। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों से संबंधित है कौन, अनुच्छेद 32। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर तीन आपके सामने क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 से 18 में किसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णन है समानता के अधिकार का, स्वतंत्रता के अधिकार का, शोषण के विरुद्ध अधिकार का या फिर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर तीन का दोस्तों राइट आंसर बताइए, अनुच्छेद 14 से 18 किसके बारे में बताया गया। बिल्कुल सही दोस्तों, किसके बारे में बताया गया है, समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर पांच चार आपके सामने है, क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। पहले बात क्या हुई थी, समानता के अधिकार के बारे में, अब पूछ रहा है स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, और ये सभी क्या है आपके, क्या है फंडामेंटल राइट या फिर कह सकते हैं मौलिक अधिकार आपके हैं। और मौलिक अधिकारों में आपकी स्वतंत्रता की बात की जाए तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन होता है। बिल्कुल सही दोस्तों, कौन से अनुच्छेद 19 से 22 में इसका वर्णन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर छह आपके पांच आपके सामने क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, हु प्रोटेस्ट द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का प्रोटेस्ट करता है भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर पांच का राइट आंसर दे। क्वेश्चन नंबर पांच का राइट आंसर क्या रहेगा, माफ कीजिएगा मैंने बोला था उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं, जो हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं उन्हें प्रोटेस्ट करता है कौन। बिल्कुल सही दोस्तों, कौन, उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट इसे क्या करता है, प्रोटेस्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सात आपके सामने है, माफ कीजिएगा क्वेश्चन नंबर छह आपके सामने है, क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन में जो कि 1976 में हुआ था, 45वां संविधान संशोधन 1977, 42वां संविधान संशोधन 1970 या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर छह का राइट आंसर दे। क्वेश्चन नंबर छह का राइट आंसर क्या रहेगा, मौलिक कर्तव्य को या फिर फंडामेंटल ड्यूटी की बात की जाए इन्हें कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन में 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आठ आपके सामने क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग में है, जो मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी है इनका वर्णन जो है भाग, अब यहां पर पूछेगा कौन से देश से लिए गए थे,
कितनी आपकी मौलिक फंडामेंटल ड्यूटी की बात की जाए तो कितनी है आपकी 11 है, फंडामेंटल राइट की बात की जाए तो कितनी है 6 आपकी है, और 21 देश के संविधान से ली गई है, तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना है। और बात की जाए कि इसे किस भाग में ऐड किया गया है, तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए भाग 4A में। भाग 4A में किसे जोड़ा गया है, मूलिक मूल कर्तव्य या फिर फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। मैंने बोला है भाग भी पूछेगा आर्टिकल भी पूछेगा, ये सब इंपोर्टेंट है। तो बात की जाए आर्टिकल की, तो आर्टिकल में किसे फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया है, कौन से अनुच्छेद में, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही दोस्तों, कौन से अनुच्छेद में, 51A में, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का प्रधान डैश होता है, भारत में कार्यपालिका का प्रधान होता है कौन, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर मुखिया न्यायाधीश। चलिए दोस्तों जल्दी से राइट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या रहेगा, भारत में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, क्वेश्चन है राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता है, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष, 30 वर्ष, 55 वर्ष या फिर 25 वर्ष। जल्दी से बताइए, मिनिमम एज आपको बतानी है क्या बनने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो राइट आंसर क्या रहेगा, 35 वर्ष इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुने जाता है, फॉर हाउ मेनी इयर्स हैज द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, ऑप्शन है 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 10 वर्ष। जब भी बात की जाए प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की, सीएम की, एमएलए की, तो बस याद रखना है 5 वर्ष के लिए, क्या 5 वर्ष के लिए सभी चुने जाते हैं, बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। और जब भी बात आती है राज्यपाल की, नहीं राज्यसभा की, तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं कितने वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने क्वेश्चन है, वे राष्ट्रपति कौन है जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, चुने गए थे 2 बार प्रेसिडेंट कौन थे, ऑप्शन सुनिएगा, बीवी गिरी, प्रतिभा सिंह पाटिल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा। इस नाम को नहीं, माफ कीजिएगा, किस नाम को, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नोट कर लीजिएगा, तो यहां पर राइट आंसर भी यही रहेगा, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, इन्हें 2 बार लगातार क्या चुना गया था, राष्ट्रपति चुना गया था। और साथ में याद रखना है पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने क्वेश्चन है, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इंडिया, ऑप्शन इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, सरोजनी नायडू या फिर एनी बेसेंट। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, बिल्कुल सही प्रतिभा सिंह पाटिल, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख डैश होता है, द चीफ ऑफ द 3 आर्मर्ड फोर्सेस इंडिया या फिर ऑल 3 आर्मर्ड फोर्सेस कौन होता है, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। चलिए फौजी भाई जल्दी से फौजी जो है राइट आंसर कही, क्वेश्चन नंबर 15 का, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंपता है किसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए, ऑप्शन है प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या फिर राज्यपाल। बिल्कुल फौजी भाइयों, क्या भारत का जो राष्ट्रपति होता है अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने क्वेश्चन है, संघ की
कार्यपालिकी या कार्यकारी शक्ति किस पर निहित होती है? संघ की कार्यकारी शक्ति किस पर निहित होती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री परिषद या फिर संसद? चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आज के सभी क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। संघ की कार्यपालिकी की शक्ति किस, संघ की कार्यकारी, ठीक है, कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? बिल्कुल सही, किसमें? भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आ रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने क्वेश्चन है, भारत का डैश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। भारत का कौन व्यक्ति जो है ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है? ऑप्शन सुनिएगा, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या फिर राज्यपाल। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या रहेगा। भारत का जो राष्ट्रपति होता है इसे शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके 18 आपके सामने है। क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था? वित्त आयोग का गठन किया गया था किसके द्वारा, या किया जाता है किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा या फिर राष्ट्रपति द्वारा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन जो होता है इसका गठन किया जाता है किसके द्वारा? बिल्कुल सही, किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की नियुक्ति या फिर माफ कीजिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ऑप्शन है, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति? ज्वाइंट सेटिंग ऑफ दी बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट डैश कॉल इट कौन बुलाता है? बिल्कुल सही दोस्तों, कौन? भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से किस अनुच्छेद द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के जो अपराध, माफ कीजिए, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उन्हें भी जो है किसके द्वारा, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, कौन से अनुच्छेद के तहत? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से इसका राइट आंसर सभी बताइएगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही दोस्तों, कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन है, बीबी गिरी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा? बिल्कुल सही दोस्तों, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधा कृष्ण यानी सर्वपल्ली राधा कृष्ण थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अटॉर्नी जनरल जो होते हैं इनकी नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा या फिर राष्ट्रपति द्वारा? ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या रहेगा? महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा? बिल्कुल सही, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने क्वेश्चन है, भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है, सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है कौन, या फिर सर्वप्रथम इसे नाम लगाओ तो? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। क्वेश्चन है, कौन संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद की बैठक में हिस्सा या फिर भाग ले सकता है? ऑप्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नियंत्रक, महालेखा परीक्षण,
महान्यायवादी, मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या रहेगा? इनमें से एक ऐसा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य नहीं है, पर तब भी जो है संसद में लोकसभा राज्यसभा किसी भी सदस्य या फिर किसी भी पार्टी में या फिर किसी भी हाउस में जो है क्या ले सकता है, भाग ले सकता है। बिल्कुल सही दोस्तों, राइट आंसर क्या रहेगा? महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। नियंत्रक महालेखा परीक्षण की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा, महान्यायवादी द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा या फिर राष्ट्रपति द्वारा? चलिए जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का फौजी भाइयों जल्दी से राइट आंसर बताइए। जल्दी से बताइए फौजियों, राइट आंसर क्या रहेगा? नियंत्रक महालेखा की नियुक्ति किसके द्वारा? बिल्कुल सही, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने क्वेश्चन है। नियंत्रक महालेखा परीक्षण अपना त्याग पत्र सौंपता है, ऑप्शन प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति? चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही, नियंत्रक महालेखा परीक्षण जो होता है अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर आप बता रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? क्या 21 वर्ष से घटाकर 11 वर्ष कर दिया गया था? कौन से आर्टिकल में या फिर कौन से अनुच्छेद, माफ कीजिए, कौन से संशोधन में? 61वां, 64वां, 66वां या फिर 60वां? कौन से संशोधन में? बिल्कुल सही दोस्तों, कौन से संशोधन में? 61वें यानी 61 संशोधन जता किया गया था। किसके लिए किया गया था? वोट डालने की आयु को 21 से क्या कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने क्वेश्चन है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश? चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2020 की बात करूं, 2021 की बात करूं, 2022 में नहीं आया, पर 2019 में क्वेश्चन आया था। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कौन? उपराष्ट्रपति। और ये राज्यसभा का क्या नहीं होता? सदस्य नहीं होता ये, तब भी जो है राज्यसभा का क्या होता है? राज्यसभा का लीडर होता है। और ये चुना कितने वर्ष के लिए जाता है? 5 वर्ष के लिए। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें किस लिए चुना जाता है? 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने क्वेश्चन है। डैश राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, डैश हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश? बता चुका हूं पहले वाली वीडियो में, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता? ये लीडर होता है, पर ये क्या नहीं होता? राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी आवश्यक है, कितनी आयु होनी आवश्यक है? 35 वर्ष आयु होनी आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? जो राष्ट्रपति या माफ कीजिए उपराष्ट्रपति होते हैं उन्हें शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री? अब उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति तो दिलाएगा नहीं, तो यहां क्या कर सकते हो? नन ऑफ दिस आप कर सकते हो। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उसे कौन शब्द दिलाता है? बिल्कुल सही दोस्तों, कौन शब्द दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति उन्हें शब्द दिलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, बता चुका हूं 22 प्रेसिडेंट जो इंडिया के होते हैं उनका कार्यकाल कितना? 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? 22 प्रेसिडेंट जो होते हैं अपना रेसनाइजेशन जो होता है किसे सौंपेंगे? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या फिर इनमें से? माफ कीजिएगा,
मुख्य न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश को। हाँ, यहां से ऑप्शन नंबर बी जो है फिर से काट दीजिएगा, जो उपराष्ट्रपति होता है ये अपना त्याग पत्र किसे, बिल्कुल से किसे, माफ कीजिए, किसे, राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। माफ कीजिएगा, पहले मुख्य चुनाव आपसे पूछे गए हैं, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ओम प्रकाश रावत, कल्याण सुंदरम, सुकुमार सेन या फिर महीर सेन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2020 या 21 का क्वेश्चन पूछा गया यहां से, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। बिल्कुल से दोस्तों कौन थे, सुकुमार सेन थे। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी राइट आ रहेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, माफ कीजिए पॉलिटिकल, लास्ट क्वेश्चन है यहां पर, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। Who was the first Vice President of India? Option Dr. Zakir Hussain, Dr. S. Radhakrishnan, Shri B.V. Giri या फिर श्री B.D. जट्टी या जन्नी है कुछ के से, ठीक है अब कुछ भी कर लो, पर ऑप्शन नंबर डी तो सभी को पता है इसका राइट आंसर नहीं देगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, बिल्कुल से दोस्तों कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। और अब यहां से एक और क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है उस उपराष्ट्रपति को ही क्या, राज्यसभा का, क्या राज्यसभा का सदस्य नहीं, राज्यसभा का लीडर बनाया जाता है या फिर राज्यसभा का क्या बनाया जाता है, चीफ बनाया जाता है। चलिए तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा रहेगा अग्निवीर हिस्ट्री के 35 क्वेश्चन, ये सभी 35 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं या फिर हिस्ट्री के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, और जल्दी से बताइएगा पोल्टी के 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट थे। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िएगा जल्दी से, इसका राइट आंसर बताइएगा। चलिए दोस्तों बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था, विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मेयर या फिर लॉर्ड रिपन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था, किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, किसके, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रथम भारतीय भाषा समाचार पत्र कौन था, विच इज द फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर, हिंदी समाचार, दर्पण हिंद, समाचार दर्पण या फिर समाचार बंगाल समाचार। अब इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, पर इसमें से हिंट दे देता हूं, इसमें हिंदी समाचार जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट नहीं होगा जब तक मुझे याद है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी और सी में से इसका एक राइट होगा, तो आपको बताना है कौन सा बी और सी में राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, वाई हम वास्ती ब्रह्म समाज फाउंडेड। ऑप्शन बनेगा स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामानुजाचार्य, दयानंद सरस्वती या फिर राजा राम मोहन राय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और नाम भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा, राजा राममोहन राय द्वारा करी गई थी, कब, 1828 के आसपास करी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी, 1827, 1828, 1829 या फिर 1830 में। फिर से बोल दो, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजा राममोहन राय द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना कब करी गई थी, बिल्कुल से दोस्तों कब करी गई थी, 1828 में करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो भी दोस्त बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर आप बता रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, 1829 AD में सती प्रथा का अंत किसने किया था, सती प्रथा का अंत किया गया था विलियम बेंटिंक द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, लॉर्ड मेयर द्वारा या फिर लॉर्ड रिपन द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस से हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, लॉर्ड मेयर द्वारा जो है
1872 में किया गया था, 1872 में पहली जनगणना करवाई गई थी लॉर्ड रिपन द्वारा। मेरे ख्याल से पहली 1881 में, 1881 में पहली जो है नियमित जनगणना करवाई गई थी लॉर्ड रिपन के काल में। पर यहां पर आइडियंस क्या रहेगा, सती प्रथा पर अंत जो है किसने लगाया था, बिल्कुल सी दोस्तों किसने, विलियम बेंटिक द्वारा लगाया गया था। कब, 1828 में। और इसके साथ जो है याद रखना है राजा राममोहन के प्रयासों जो है सती प्रथा पर अंत लगाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने क्वेश्चन है, भारत के प्रथम रेल कब चली थी, भारत में प्रथम रेल चली थी कब, 16 अप्रैल कब, 16 अप्रैल 1853 को, माफ कीजिए 1853 में चली थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल दोस्तों डी इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम रेल मुंबई से डैश तक चली थी, जयपुर, ठाणे, बांद्रा या फिर दिल्ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलूं तो, और एग्जाम में पूछा भी बहुत बार जा चुका है, भारत की प्रथम रेल जो चली थी कहां चली थी, मुंबई टू ठाणे, कहां चली थी, मुंबई टू ठाणे आपकी चली थी। बिल्कुल सी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था, बंगाल में नील विद्रोह हुआ था 1859 में, 1855, 1856 या फिर नन ऑफ दिस। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन 8 का राइट आंसर बताइए, बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था, बिल्कुल सी दोस्तों कब, 1859 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने क्वेश्चन है, भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी, बता चुका हूं कब हुई थी, 1872 में हुई थी, किसके काल में, लॉर्ड मेयो के काल में करवाई गई थी। और 1881 में जो है नियमित जनगणना हो रही है, क्या हो रही है, नियमित जनगणना हो रही है जो कि हर 10 साल बाद की जाती है। और 1951 से जो है, ठीक है, 1951 से जो है भारत जो है स्वतंत्र भारत की जनगणना कर रहा है 1951 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी, 10 अप्रैल 1877, 10 अप्रैल 1876, 10 अप्रैल 1875 या फिर 10 अप्रैल 1872 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलू तो, एग्जाम में पूछा भी जाता है, दयानंद सरस्वती द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना कब, बिल्कुल सी दोस्तों कब, 10 अप्रैल 1875 को गई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कहां पर की गई थी, वेयर वाज द आर्य समाज फाउंडेड, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती 18 अप्रैल, ठीक है, और कब, कहां, माफ कीजिए, कहां पर, मुंबई में, कहां की गई थी, बिल्कुल सी दोस्तों कहां, मुंबई में की गई थी, ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश, 28 सितंबर 1886, 27 दिसंबर 1885, 27 दिसंबर 1899 या फिर 28 सितंबर 1884 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूं तो ये पिछले 4 से 5 साल में, ठीक है, 5 साल में जो है 10 से 15 बार रिपीटेड रहा है, हर बार कुछ ना कुछ अलग क्वेश्चन पूछता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां, बिल्कुल सिद्धू कब हुई थी, 27 दिसंबर 1885 को हुई थी, ए ओ हयूम द्वारा जो है, ठीक है, ए ओ हयूम द्वारा इसकी स्थापना करी गई। डब्ल्यूसी बनर्जी पहले अध्यक्ष बने, पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, और पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी आगे डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली, या यहां होगा, माफ कीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का होगा यहां पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, दिल्ली में, या मुंबई में, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, 2022 में शायद क्वेश्चन पूछा गया था या 21 में,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था? बिल्कुल सही दोस्तों, कहा बंबई यानी मुंबई में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये क्वेश्चन बोला था, आगे डिस्कस करेंगे। अब यहां पूछ क्या रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। बिल्कुल सही, सरोजनी नायडू ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। और एनी बेसेंट से राइट आंसर क्या रहेगा कि पहली महिला अध्यक्ष पूछी जाए, ठीक है, तो भारतीय नहीं, पहली महिला अध्यक्ष पूछी जाए। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1906 को, 16 अगस्त 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को या फिर 16 जून 1905 को। सभी को पता है बंगाल विभाजन हुआ था 1905 को, कौन सी तारीख को हुआ था? तो राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल फौजी भाई, 16 अक्टूबर 1905 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, क्वेश्चन है बंगाल विभाजन किसके द्वारा करवाया गया था? बंगाल विभाजन करवाया गया था किसके द्वारा? चलिए ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक या फिर इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, स्पेशली जीडी ट्रेडमैन और क्लर्क में, ठीक है, ये क्लर्क का क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा गया था। बंगाल विभाजन करवाया गया था किसके द्वारा? बिल्कुल सही, किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज द मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश इन? ऑप्शन सुनिएगा 1908, 1906, 1907 या फिर 1905 को। अब यहां से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपको बताना है मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी थी। मैं बताऊंगा आपको इसकी स्थापना कहां पर हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी ढाका में। कहा? ढाका बांग्लादेश में स्थापना हुई थी। कब? 1906 में। कब? 1906 में जो इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। पूरी डेट पूछ ले तो क्या 30 दिसंबर, क्या 30 दिसंबर 1906 को क्या हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। चलिए महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना करी थी, ठीक है, एसएससी जीडी या फिर सीधा बोलूं जो भी ऑनलाइन एग्जाम होते हैं उसमें बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंद स्वराज पुस्तक की रचना महात्मा गांधी द्वारा करी गई थी, एक तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, और इसकी स्थापना जो है कब करी गई थी? बिल्कुल सही दोस्तों, कब? 1909 में करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन किसके द्वारा रद्द किया गया था? यह भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन 1905 और किसके द्वारा रद्द कर दिया गया था, ठीक है, 1911 में जो है किसे रद्द कर दिया गया, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया किसके द्वारा? बिल्कुल सही दोस्तों, किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग द्वारा रद्द कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनाई गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 21 में पूछा गया है। जल्दी से बताइएगा कि दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनाई गई थी। बिल्कुल सही दोस्तों, फौजी भाइयों, क्या? 1911 ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना, अब सैन फ्रांसिस्को हुआ कहां? यूएसए में हुआ, ठीक है, यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी किसके द्वारा और कब करी गई थी? और पूछे किसके द्वारा करी गई थी तब तो राइट आंसर आपको बता रहा है, गदर पार्टी की स्थापना किसने करी थी, और पूछा जाए कब करी गई थी तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही, क्या? ऑप्शन नंबर बी 1913 इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अरविंद नाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सुबह जो क्लास हुई थी उसमें भी डिस्कस करा था।
नोबेल पुरस्कार किसके लिए, साहित्य के लिए पहले भारतीय थे या फिर पहले एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें क्या गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, और साहित्य के लिए दिया गया था, इनके साहित्य का नाम क्या था, इनके साहित्य का नाम था गीतांजलि। किसके लिए, गीतांजलि के लिए जो है इन्हें क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, बिल्कुल सही, कब दिया गया था, 1913 में दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। चलिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, 1912, 1913, 1914 या फिर 1915 को। नौ जनवरी याद रखिएगा, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। अब याद रख लो कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्या, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी जो है भारत आए थे। चलिए होम रूल लीग का गठन कब हुआ था, होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 28 जून 1916, 28 अप्रैल 1916, 28 अप्रैल 1915 या फिर 28 मई 1916 को। जल्दी से बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, बिल्कुल सही, कब, 28 अप्रैल 1916 को हुई थी, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। अब ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, बिल्कुल सही दोस्तों, क्या, बाल गंगाधर और तिलक और एनी बेसेंट द्वारा जो है 1916 में किसकी, होम रूल लीग की स्थापना करी गई थी। चलिए 1916 में लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था, लखनऊ समझौता हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, नरम दल और गरम दल के बीच, ब्रिटिश और भारतीय बीच, या फिर हिंदू और मुसलमानों के बीच। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 26 का, हिस्ट्री के 26 क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, लखनऊ समझौता कब हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, कब हुआ था, 1916 में, किनके मध्य होता है, किनके मध्य, कांग्रेस और किसके बीच, मुस्लिम लीग के बीच होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब चलाया गया था, चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था 1919, 1917, 1920 या फिर 1921 को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह जो है कब चलाया गया था, बिल्कुल सही, कब चलाया गया था, 1917 में चला गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर नरसंहार किसके द्वारा करवाया गया था, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग में रॉयल एक्ट के विरोध में लोग इकट्ठे हुए थे और किसने गोलियां चलाने का हुक्म दिया था, बिल्कुल सही, किसने, जनरल डायर ने, किसने, जनरल डायर ने इसका हुक्म दिया था, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। चलिए रॉयल एक्ट का पारित किया गया था, रॉयल एक्ट पारित किया गया था जनवरी 1919 को और इसी के विरोध में 13 अप्रैल को क्या हुआ था, 13 अप्रैल को जो है लोग जलियांवाला बाग अमृतसर में इकट्ठे हुए और इसका विरोध करने लगे और जनरल डायर ने कह दिया, गोलियां मारने का हुक्म दे दिया, बिल्कुल सही दोस्तों, यहां पर राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। चलिए रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा अपनी सर की उपाधि, सर यानी नाइटहुड की उपाधि जो है कौन से वर्ष वापस कर दी गई थी, 1919, 1920, 1921 या फिर 1925 को। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नाइटहुड की उपाधि दी गई थी इन्हें अंग्रेजों द्वारा,
किसके लिए, इन्हें जो है पहले भारतीय होने या फिर एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था जो कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, इसीलिए इन्हें नाइटहुड की उपाधि की दी गई थी। पर इन्होंने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करने के लिए जो है या फिर विरोध के लिए जो है क्या वापस कर दी थी, इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि 1919 में वापस कर दी गई थी। बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। चलिए, असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुए थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और क्या खिलाफत रेवोल्यूशन पूछा जाए या फिर खिलाफत मूवमेंट आपका पूछा जाए तो असहयोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से क्या याद आता है 1920, क्या याद आता है 1920 आपको याद आता है, तो बिल्कुल सही दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। चलिए, चोरा चोरी कांड कब हुआ था, 1922 में, 1923 में, 1921 या फिर 1924 में। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या रहेगा, चोरा चोरी कांड जो है कब हुआ था, बिल्कुल फौजी भाइयों कब हुआ था, 1922 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। और एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो क्या 4 फरवरी 1912 को हुआ था। चलिए, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, शायद 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास द्वारा, मोतीलाल नेहरू द्वारा, ए बी दोनों द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सही फौजी भाइयों, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू और स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा, चित्तरंजन दास द्वारा, इन दोनों के द्वारा करी गई थी, ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। चलिए, 34 है, काकोरी कांड कब हुआ था, काकोरी षड्यंत्र हुआ था 9 अगस्त 1925, 9 अप्रैल 1925, 9 मई 1925 या फिर 9 जून 1925 को। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर थे, क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल कब हुई थी काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का गठन हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोल दूं इसे तो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्या साइमन कमीशन का गठन हुआ था नवंबर 1917 को, नवंबर 1927 को, अक्टूबर 1927 को या फिर अगस्त 1927 को। अब यहां याद रखना है, साइमन कमीशन का गठन हुआ था नवंबर 1927 को, ऑप्शन नंबर बी तो यहां पर राइट रहेगा। और भारत में ठीक है, हमारे प्यारे भारत में साइमन कमीशन का ठीक है, साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था, 1928 में कब हुआ था, 1928 में इसका आगमन हुआ था। दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेड है, और जल्दी से सभी जो है कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिख दीजिए, ठीक है, जल्दी से सभी जो है कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिख दीजिए। और जल्दी ऐसा अपना स्कोर बताइए कि हिस्ट्री के ठीक है, हिस्ट्री के 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही थे और पॉलिटी के 35 में कितने क्वेश्चन सही थे, और टोटल स्कोर जो है जल्दी से अपने स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घरों का ख्याल रखिए, जय हिंद जय भारत।